हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के कि अगर हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हमारे पास इन हैंड सैलरी कितनी होती है, प्लस एक असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सब जानेंगे। आइए देखते हैं कि जब हमारी पहली रिक्रूटमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए होती है तो क्या हमारा सैलरी ब्रेकेज रहता है। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये न्यू दिल्ली स्टेट का है, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट ये चीजें वैरी कर सकती हैं नाउ। लेकिन जो आपका बेसिक पे होगा वो फिक्स रहता है, आप लेवल 10 के पे स्केल पे रहते हैं और जिसमें आपका बेसिक पे 57,700 रहता है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि एक आईएएस ऑफिसर जब रिक्रूट होते हैं तो उनका बेसिक पे 56,100 रुपीज होता है और आपका उनसे थोड़ा ज्यादा रहता है। प्लस आपके पास कुछ अलाउंसेस जैसे डीए, एचआरए, टीए, ये कुछ गवर्नमेंट आपको अलाउंसेस देती है, ये मिलते हैं, और कुछ डिडक्शंस जैसे इनकम टैक्स के डिडक्शंस या आपके एनपीएस में इन्वेस्टमेंट्स, तो वो अमाउंट डिडक्ट होके आपके पास जो इन हैंड सैलरी आती है दैट इज 1,01,321। आई रिपीट, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ये थोड़ा वेरी कर सकता है, फिर भी 80,000 to 85,000, 90,000, 89,000 इस रेंज में ही रहने वाला है। नाउ एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद क्या यही सैलरी फिक्स रहती है? नहीं, इसमें भी आपके समय के साथ इंक्रीमेंट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, कितने साल बाद हम एक एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम एंट्री लेवल 10 के पे स्केल पे करते हैं, इसके बाद हम इसमें 4 साल के बाद हमारा इंक्रीमेंट होता है, पहला इंक्रीमेंट लेवल 11 पे जाते हैं, फिर से इंक्रीमेंट लेवल 12 पे जाते हैं और कंप्लीटली 12 ईयर्स जब हम फिनिश कर लेते हैं तब हम एंट्री करते हैं लेवल 13A के अंदर, जहां हम एलिजिबल हो जाते हैं असोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। और इस लेवल पे जो हमारा बेसिक पे होता है दैट इज 1,31,400 होता है। अभी जो बेसिक पे चल रहा था वो 57,700 था, अभी जो बेसिक पे है दैट इज 1,31,000। अब इसमें आपके सारे अलाउंसेस जब ऐड होते हैं तो ये सैलरी टच कर देती है 2 लाख रुपीस पर मंथ, तो ये बहुत ही हैंडसम सैलरी है। और ऑफ कोर्स सैलरी एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो अगर आपका सब कुछ वेल एंड गुड रहा, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वो मैं बताऊंगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप आज से 12 साल बाद आप लगभग 2 लाख पर मंथ की सैलरी आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। प्लस क्या हम जैसे ही 12 इयर्स फिनिश करते हैं हम एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। कुछ बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटीज हैं जो आपको क्वालिफाई करनी होंगी, जैसे आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, प्लस आपके कुछ 7 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये हैं, प्लस आपका एक एपीआई स्कोर जनरेट होता है वो देखा जाता है, आपका मॉक एक छोटा इंटरव्यू लिया जाता है। इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करने के बाद आप एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर आते हैं। तो सर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एक बढ़िया शुरुआत होगी तो आप यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करिए, आप अपनी पीएचडी में एनरोल करिए। ऐसी वैकेंसीज अगर आपके स्टेट में आती हैं तो आप उनमें फॉर्म भरिए और उन वैकेंसी पेपर क्रैक करिए, उसके बाद आप इन वैकेंसीज को ज्वाइन करिए, अपनी पीएचडी कंटिन्यू करिए। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपकी पीएचडी भी कंटिन्यू हो जाएगी, प्लस आपके कुछ रिसर्च पेपर्स भी आ जाएंगे, तो जो ये 12 ईयर का स्पैन है उसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको फुलफिल कर पाएंगे। ये एक अच्छा आइडियल शुरुआत होगा। रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई भी हुई हैं, जैसे रिसेंटली हरियाणा में आई हैं, उत्तराखंड में आई हैं, यूपी की वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन करेंटली वो कोर्ट केसेस में चल रही हैं, जल्द ही शायद वहां पे भी एग्जाम्स होने की संभावनाएं हैं। और इस एग्जाम में या इस ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है? तो आपके पास एलएस होना चाहिए, सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वहां जो लेक्चरशिप होती है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, या आप अपने स्टेट का सेट एग्जाम क्वालिफाई करिए, तब आप अपने स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज होती हैं उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये 2 मिनिमम चीजें तो आपको चाहिए होंगी। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करें? तो आप सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए, प्लस यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाइए, तमाम ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप चाहते हैं कि हमें एक गाइडेड कोर्स मिल जाए या फिर एक
टाइम बाउंडेड डिसिप्लिन के साथ एक कोर्स मिल जाए तो आप हमारे साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, आप नेट की तैयारी कर सकते हैं, आप एलएस की तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो लाइव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जो करेंटली अपने मिनिमम पे चल रहे हैं, दैट इज 8000, या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। CSIR नेट के रिकॉर्डेड कोर्सेज इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अपने मिनिमम 4000 पे अवेलेबल है, और अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, सेट की तैयारी करना चाहते हैं, इसके रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अपने मिनिमम 4000 पे हैं। टॉकिंग अबाउट द लाइव क्लासेस, ये मेरे फेवरेट होते हैं, तो 8000 इसका मिनिमम प्राइस चल रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लाइव कोर्सेज में क्या होता है कि कोई लेक्चर पढ़ा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और आपके पास संडे भी टेस्ट है तो आपके पास टाइमिंग फिक्स हो जाती है, आपका ये पक्का है कि इससे इस टाइम तक, इससे इस टाइम तक मुझे लेक्चर लेना ही है, तो समय रहते सिलेबस भी खत्म होता है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी ढेरों क्वेश्चन बुकलेट्स मिल जाती हैं। तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ द लाइव कोर्सेस, और अगर आपकी इच्छा होगी तो जरूर हमारी मुलाकात फिर 26 अगस्त को होगी जो लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल से ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।